हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उषारण और आप देख रहे हैं ऑफिशियल उषारण चकमा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा ऐप से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज और गूगल प्ले से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज जो है बहुत कुछ चेंजेस आया है, तो इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना समय का हम लोग कोई भी गूगल क्रोमो को खोल लेते हैं। कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिएगा आप, वहाँ सर्च करके वहाँ टाइप कीजिएगा गूगल। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्पेशली ये जो एप्स बनाते हैं ऑनलाइन और गूगल प्ले स्टोर में डाल देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, उन लोगों के लिए है ये वीडियो। तो यहाँ जो है कुछ पॉलिसीज आया है, यहाँ आप देख सकते हैं। आप यहाँ सर्च कीजिएगा गूगल प्ले पॉलिसी, ठीक है, सर्च कीजिएगा। यहाँ यहाँ सर्च करोगे तो यहाँ देखिए, यहाँ सेंटर वाला है। अब देखना है आपको गूगल प्ले पॉलिसी, गूगल प्ले एंड्रॉयड डेवलपर्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आया दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप कोई भी एप्स डाल नहीं सकते, एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा, आपको एंड्रॉयड एंड गूगल पे अपडेट इसे कोई आया है, वी रेगुलरली मेक चेंजेस टू आवर प्लेटफॉर्म। ये हमेशा मतलब कि प्लेटफॉर्म हमेशा बदलते रहते हैं एंड पॉलिसीज भी बदलते रहते हैं हमेशा, मतलब कि गूगल प्ले डेवलपर, ठीक है, जो कि इम्प्रूव करने के लिए और जो गूगल प्ले स्टोर में जो लोग ऐप्स डालते हैं उन लोगों के लिए भी इम्प्रूव करना होगा। तो यहाँ देखिएगा गूगल प्ले डेवलपर पॉलिसी सेंटर, यहाँ देखिए टाइमलाइन में देखिएगा, सबसे पहले जो इस साल का टाइमलाइन देखिए, यहाँ न्यू स्टोर आइकॉन स्पेक जो है, जो पहले जो चलता था वो सही जा रहा, मे से टारगेट ऑडियंस एंड कॉन्टेंट सेक्शन न्यू एप्स, ये सही चला था जून तक। उसके बाद जुलाई देखिएगा, एग्जिस्टिंग स्टोर आइकॉन मॉडिफाइड, यहाँ तक सही चला था। जैसे जुलाई ख़त्म हो गया, आप देखिएगा यहाँ टारगेट मिनिमम एपीआई लेवल 28 होना चाहिए न्यू ऐप। अगस्त से कुछ चेंजिंग कर दिया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगस्त से बहुत चेंजिंग आया है। न्यू टारगेट देखिएगा, मिनिमम लेवल जो एपीआई लेवल है वो 28 होना चाहिए और न्यू ऐप जो बनाएंगे अगस्त 1 तारीख से, और साथ में इसका बीट जो है रिक्वायरमेंट चाहिए 64 बीट, ठीक है, तब आप गूगल प्ले स्टोर में आप डाल सकते हैं, उसका रेटिंग अपडेट कर सकते हैं। इसमें देखिएगा न्यू पॉलिसी कंसोल देखिएगा, टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट सेक्शन में देखिए, सितंबर में देखिए टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट सेक्शन एग्जिस्टिंग ऐप, यहाँ सही जा रहा है। अक्टूबर भी सही चलेगा, उसके बाद नवंबर में जाएगा, वही दिसंबर तक कुछ अपडेट शायद कर दिया जाएगा। दिसंबर देखिए टारगेट मिनिमम एपीआई लेवल 28 तक रहेगा, अपडेट्स कर सकते हैं ऐप, उसे दिसंबर का अपग्रेड टू प्ले डेवलप एपीआई लेवल वर्जन 3 हो जाएगा। दिसंबर में कुछ चेंजिंग आएगा, अपडेट हो जाएगा, डेवलपर एपीआई वर्जन 3 हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब जहाँ से आप एप्स बनाते हैं वैसे, जैसे थंकेबल हो गया, जैसे हो गया एपी बिल्डर हो गया, उनमें से कुछ अभी तक चेंजिंग नहीं आया। इसका मतलब वहाँ से आप पहले जो एप्स बनाते हैं वहाँ से कुछ भी नहीं डाल सकते हैं फिलहाल। आप जो आप बनाते हैं जैसे कुडोलर जो है वो कुछ चेंजिंग आया है, आप नए इंटरफेस भी आया है वहाँ से, आप कुछ चेंजिंग आया है वहाँ से सिर्फ बना के आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अप्रूवल चाहिए होता है, जहाँ पे आपका एप्स क्रिएट करने के बाद आपको रिक्वेस्ट भेजना होता है जहाँ अप्रूवल के लिए अपने एड्स के बारे में, ठीक है, जो एड्स वगैरह आप जोड़ देते हैं एडमूव से, ठीक है, उसके बारे में। तो इसके इसमें देखिएगा आप देते हो प्ले स्टोर, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, इसको आप चाहे तो प्राइवेसी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो चेंजिंग आया है। अब इसमें नीचे देखिएगा, ये देखिए कंप्लीट विद न्यू फैमिलीज पॉलिसी, We updated our family policies and design for the families program requirements on May 29, 2019. इसमें कुछ requirement आएगा आपको, जैसे existing apps have until September. जो पहले डालते थे app वो existing September तक रहेगा, जैसे 2019 पहला September तक. To fill in the new target audience, जो नए लोगों के लिए users है, जैसे apps create करने वाला जो Play Store में डाल देते हैं Google Play Console में, ठीक है, एंड कम्प्लीट विच आवर न्यू पॉलिसीज, हमने कुछ पॉलिसी चेंजिंग कर रहे हैं, यानी अभी चेंजिंग हो गया है, न्यू एप्स मस्ट बी कम्प्लीट अपॉन पब्लिशिंग, कुछ जो रिक्वायरमेंट है उसमें चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 64 बिट सपोर्ट रिक्वायर,
आप 64 बिट सपोर्ट रिक्वायरमेंट चाहिए इसमें, ठीक है, जो भी एप्स बनाते हैं अभी। जैसे स्टार्टिंग अगस्त होगा 1, 2009, इसका मतलब अभी जो जारी है, अभी तो अगस्त अभी चल रहा है, एक तारीख से ये जारी हो गया। योर एप्स पब्लिश ऑन गूगल प्ले विल नीड टू सपोर्ट 64 बिट आर्किटेक्चर। इसका मतलब आप एप्स, कोई भी एप्स डालेंगे गूगल प्ले स्टोर में, उसके लिए 64 बिट सपोर्ट चाहिए आर्किटेक्चर, ठीक है, तब आप एप्स डाल सकते हैं। एडिंग 64 बिट वर्जन चाहिए आपको, वर्जन 64 बिट कोई भी चाहिए आपका एप्स का, ठीक है। प्रोवाइड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, मेक वे फॉर फ्यूचर इनोवेशन एंड सेट्स यू अप फॉर डिवाइसेस विथ 64 बिट ओनली हार्डवेयर। आपका हार्डवेयर कम से कम आपका बिट जो है 64 होनी चाहिए, तो आपसे आप इनोवेशन कर सकते हैं, आपका डिवाइस में एप्स जो है अपलोड कर सकते हैं। यूनिटी डेवलपर शुड कंसल्ट द इंफॉर्मेशन पेज फॉर द ओरिजिनल डिटेल, कुछ यूनिटी वगैरह में कुछ डिटेल दिया गया है। आप इसमें देखिएगा कुछ लेवल, एप्स मास्ट टारगेट एपीआर लेवल 28 होना चाहिए इसमें, ठीक है। व्हेन यू अपलोड एन एपीके, जब आप एप्स बनाने के बाद एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं ना, इट नीड्स टू मीट गूगल प्ले टारगेट, तो ये गूगल प्ले से रिलेटेड जुड़ी पॉलिसी जो दिया गया इससे मिलना जुलना चाहिए, तब आप अपना ऐप बना के डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें रिक्वायरमेंट है बाय अगस्त 1 तारीख से, ठीक है, तो अगस्त 1 तारीख से जो चल रहा है। न्यू एप्स मस्ट टारगेट एटलीस्ट एंड्रॉइड 9, नया ऐप बनाने वालों के लिए उसका वर्जन होना चाहिए एंड्रॉइड वर्जन 9 होना चाहिए, और उसका एपीआई लेवल 28 जरूर होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। बाय नवंबर 1 तारीख से ऑल एप्स दैट आर बीइंग अपडेटेड मस्ट टारगेट एटलीस्ट एंड्रॉइड 9, तो कोई भी जितने भी एप्स बनाते हैं कहीं से भी हो, उसका एंड्रॉइड वर्जन 9 होनी चाहिए, उसके एपीआर लेवल मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। अनटिल दिस डेट्स न्यू एप्स एंड ऐप अपडेट्स मस्ट टारगेट एटलीस्ट एंड्रॉइड 8.0 एपीआर लेवल होनी चाहिए। अब उसके बाद जो है 8.0 एंड्रॉइड वर्जन जो पहले आया था, एटलीस्ट जो है एंड्रॉइड वर्जन 8.0 होना चाहिए, एपीआर लेवल 26 होना चाहिए। आप जैसी बात है, आप एंड्रॉइड वर्जन तब सपोर्ट अच्छे से करेगा, इस महीना से 1 तारीख से जो सपोर्ट कर रहा है जो है एपीआई लेवल जो है 28 है और एंड्रॉइड वर्जन 9 है, तब ही सपोर्ट करेगा गूगल प्ले स्टोर, तो अच्छे से आपका वो रिव्यू में चला जाएगा, तब आप सही से डालते हैं तो उसमें पब्लिश हो जाएगा। अन्यथा आप कोई भी ऐप्स फिलहाल कोई भी साइट से ऐप्स मत बना लीजिएगा दोस्तों, अगर बना लोगे वो सस्पेंड भी हो सकता है, और या तो आपका उसमें जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप कहीं भी साइट जैसे थैंकेबल हो गया वहाँ से मत बना दीजिए, क्योंकि थैंकेबल में अभी कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एपीआर लेवल वर्जन नहीं दिया गया है उसमें, पहले जैसा था वैसे कुछ चेंजिंग नहीं आया, और साथ में एपी बिल्डर से जो बनाते हैं उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आया। लेकिन फिलहाल कुडोलार में बहुत अच्छा, खुशी की बात यह है, कुडोलार बहुत ही अच्छा मैसेज आया है, इंफॉर्मेशन आया है, कुछ अपडेट न्यू मिल आया है, ठीक है, तो उनमें से आप बना सकते हैं, तो उसमें मैं दिखा दूंगा। तो मूव टू गूगल प्ले डेवलपर एपीआई वर्जन 3, ठीक है, स्टार्टिंग दिसंबर से होगा कुछ एपीआई लेवल वर्जन, और दिसंबर से कुछ चेंजिंग हो जाएगा यही इस साल, इसका मतलब हर साल ये चेंजिंग होते रहेगा इसका एपीआई लेवल, तो इसी तरह हम लोग इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग दिखाते हैं कहाँ से आप कर सकते हैं, उस कुडोलार थोड़ा सा दिखाते हैं आपको हम। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ टाइप कीजिएगा आप कुडोलार, ठीक है, कुडोलार में जाएंगे आप, कुडोलार में जाएंगे तो कुडोलार जाने का देखिए क्रिएट कुडोलार में जाएंगे आप, थोड़ा सा वेट कीजिएगा फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद, स्किप मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, तो यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा तो कम्युनिटी गाइडलाइन आपके लिए आ जाएगा, यहाँ कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन कुछ नए इंफॉर्मेशन आया हुआ है, इसका मतलब कुडोलार कुछ नए नए फीचर्स और भी लाए हैं, कुछ बहुत कुछ चेंजिंग हो गया, पहले जो पहले लेटेस्ट वर्जन में कुछ था अब बहुत चेंजिंग आया है, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे यहाँ अब नया जो वर्जन है कुडोलार का, कुडोलार ईगोल वर्जन 1.4 आया है, ठीक है, कुडोलार ईगोल हो गया। अभी देखिए कुछ देखिए इंटरफेस इसी तरह का आ गया इसका, देखिए बहुत कुछ चेंजिंग आया है। ओके, तो इसी तरह आप कर सकते हैं,
तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ जो है इम्पोर्टेंट कम्युनिटी गाइडलाइन दिया गया, यहाँ आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम जाते हैं कम्युनिटीज के बाद हम लोग क्या जाएंगे, जैसे ऐप क्रिएटर में जाएंगे। ऐप्स क्रिएटर में जाने के, यहाँ देखिए ऐप्स क्रिएट में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद देखिएगा, मेरा तो कुछ ऐप्स में भी बनाता हूँ, आप सिर्फ कुदोला से ऐप्स बना सकते हैं दोस्तों फिलहाल। यहाँ बस खुशी की बात यह है, कुदोला अभी कुछ चेंजिंग आया है, इसका मतलब आप कुदोला से ऐप्स बनाओगे तो आपको सबसे पहले आपका एपीआई लेवल वर्जन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एपीआई लेवल वर्जन 28 होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, आप देखिए यहाँ कुछ आया चेंजिंग। मान लीजिए अगर कोई नया प्रोजेक्ट आप इसमें चुन लेते हैं, मान लीजिए क्रिएट ए नया न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम देते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताऊँ, न्यू एप्स, बस एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। न्यू एप्स, सॉरी इसमें कुछ इसी तरह देना पड़ेगा, न्यू एप। तो इसी तरह अगर मैं देता हूँ नेक्स्ट में, अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ, आपको देखिए इसमें कॉन्फिगर योर प्रोजेक्ट, दिस से चेंज कैन बी चेंज लेटर, बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए थीम आप चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर ले सकते हैं, कुछ भी यहाँ से देख सकते हैं। आप देखिए इसमें मिनिमम SDK, मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन जो देखिए इसमें दिया गया है एपीएल 4.4, लेकिन आपको यहाँ क्या सेलेक्ट करना होगा, एपीएल लेवल सबसे यहाँ जाएगा नीचे जो है एपीएल लेवल वर्जन, या नीचे देखिए एंड्रॉयड 9 दिख गया एपीएल लेवल, जैसे मैंने पहले बोला था उसमें पॉलिसीज में गोल प्ले में, ठीक है वही है। इसको सेलेक्ट कीजिएगा, आप सेलेक्ट करने के बाद आप तब ये सेलेक्ट करने आप हो सकता है आपका अच्छा से, ठीक है। सेलेक्ट करने इसमें कुछ नाम से इसके बाद फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। फिनिश करने के बाद जैसे इसमें फिनिश कर दोगे तो ये जो इसमें देखिए ध्यान से आप वीडियो को, तो आराम से आप जो है इसी से एप्स बना सकते हैं। और आपको लेकिन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एपीआई वर्जन 28 होना चाहिए उसके बाद, ठीक है, लेवल वर्जन, एपीआई लेवल वर्जन, उसके बाद आपका वर्जन जो है 9 जरूरी है, 9 सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर में नहीं डाल सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। आप देखिए इसी तरह, आप इसमें देखिए इसी तरह आ गया, मुझे मैंने दिखा रहा, इसमें देखिएगा आप एपीआई लेवल वर्जन इसमें दिया गया होगा आपको, एपीआई लेवल वर्जन इसमें नीचे जाएगा ना, स्क्रॉल करके देखिए वर्जन हुआ, पहली बार डाल रहे हैं तो वर्जन कोने में 1 होता है। तो यहाँ से एडवांस प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप यहाँ देखिएगा न्यू SDK, यहाँ देखिए अब जैसे मैंने पहले सेलेक्ट किया था वो आ गया है ना, एंड्रॉयड 9 वर्जन हो गया, एपीआई लेवल 28 है। तो इसी तरह आप बना सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह आप, और मैं और एक तो दिखाता हूँ, आप एप्स यहाँ से क्रिएट तक करेंगे लेकिन आपको यहाँ अप्रूवल की जरूरत होता है, यहाँ अप्रूवल मांगता है अभी फिलहाल के लिए। यहाँ अप्रूवल के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ मॉड्यूल्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ मॉड्यूल में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर देखिए मॉड्यूल्स का ऑप्शन आता है, इसके बाद आप अकाउंट में नीचे जाएंगे, अकाउंट में सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कोई भी एप्स बनाते हैं तो उसका अप्रूवल मांगता है, अभी का पॉलिसी इसी तरह आया हुआ है, यहाँ से कुछ पॉलिसी वगैरह दे सकते हैं। यहाँ से क्रिएटर यूजर बहुत से लोग अभी दिखा रहे हैं, 1,94,204 आया है यूजर, मतलब इतने लोग यूज करते हैं। आप इसके बाद जाएंगे, आप नीचे जाएगा क्रिएटर में जाएंगे, क्रिएटर में क्लिक कर लीजिएगा। क्रिएटर में जाने के बाद एड्स पैनल देख रहे हैं ना, एड्स पैनल में आप क्लिक कर दीजिएगा, इसके एड्स पैनल में क्लिक कर दीजिएगा, आपका उसी में इंटरफेस में आएगा जहाँ आपको एप्स का अप्रूवल देना होगा। देखिए माई प्रोजेक्ट में देखिए इसमें जैसे मैं एप्स बना रहा था वो आ गया, जैसे मैंने अभी दिया था ना वही वाला न्यू ऐप वाला, इसमें आ गया है ना ये वाला, देखिए वेट 48 सिंस ऐप क्रिएशन, जब तक ऐप क्रिएट नहीं होता है पूरी तरह यहाँ 48 घंटा तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपसे अप्रूवल देना होगा आपको। इसमें रिक्वेस्ट अप्रूवल नाम से आएगा इसमें, तो इसमें रिक्वेस्ट करने के बाद आपने इसमें लिखना पड़ेगा कि आपको हाँ ऐसा ऐसा ऐप के बारे में लिखना पड़ेगा, ऐप को हाँ मेरा किस चीज़ों के बारे में है ऐप को इसमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आपको खुद डॉलर में, ठीक है, उसमें लिखने जैसे आप, और गूगल प्ले स्टोर में आपका जो डेवलपर नेम दिया गया उसी नाम को देना बहुत जरूरी है। इसमें दे दीजिएगा कि डेवलपर नाम ये है, आप दे दीजिएगा तो मैं इसी तरह आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, उसके बाद आराम से हो गया, उसके बाद अप्रूव ऐसे दस सही हो जाएगा तो अप्रूव कर देंगे, तो उसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर में आराम से ये जो है ऐप्स डाल सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, उसके बाद आराम से यहाँ डाल दीजिएगा, यहाँ जाएगा गूगल प्ले स्टोर में, दिखाता हूँ यहाँ कंप्लीट होने के बाद यहाँ आप क्लिक कर दीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, प्ले कंसोल में जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा
तो इसे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल फॉलो करना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए जैसे मैं गोल प्ले कंसोल में जाता हूँ, यहाँ जो मैंने पहले ऐप डाला हुआ था दो पेंडिंग में है अभी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था पहले ये अभी तो पेंडिंग में लगा हुआ है, पता नहीं इसका क्या होता है, भगवान ही जाने। दो एप्स इसमें लगा हुआ है, ये मैं एप्स गेजर में से बनाया था। एप्स गेजर में तो वर्जन बहुत कम है, शायद ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, पता नहीं क्या होता है, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद देखिए जैसे मैं बोल रहा था कुदलार में जाएंगे, ये वाला ऐप अगर कंप्लीट होता है, अप्रूवल हो जाता है, तो यहाँ से गूगल प्ले स्टोर में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आप सिर्फ कुदलार से ही फिलहाल ऐप बना सकते हैं, बाकी साइट से कोई भी नहीं बना सकते, ना टंकमिंग से बना सकते हैं, ना हैप्पी बिल्डर से बना सकते हैं। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें से बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ा कमज़ोर है और कैसे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो मिस्त्री लोग काम भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, ठीक है। तो इसी तरह आप भी करते रहिए, आज जैसे मैं फॉलो करता हूँ, वो आप सिर्फ फिलहाल सिर्फ कुदलार से ऐप बनाते रहिए और उसका वर्जन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा जो इसमें रिक्वायरमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।